का किया गया उद्घाटन, बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। काशी में बोले पीएम मोदी, कहा काशी में डमरू वाले की सरकार, काशी का भला कौन रोक सकता है। सीएम योगी का विपक्ष पर तंज, कहा गांधी के नाम पर कई लोगों ने सत्ता हासिल की लेकिन उनका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, 18 दिसंबर को अमेठी जाएंगे राहुल गांधी, पदयात्रा कर वोटरों को साधने की होगी कोशिश। तो नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया था आज वो पूरा हो चुका है। जहां पीएम मोदी आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर काशीवासियों को स्वागत दी है। बता दें कि उद्घाटन से पहले पीएम ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि जलाभिषेक से पहले पीएम मोदी काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान पहले उन्होंने मत्था टेका और फिर काल भैरव की आरती की। वहीं पीएम के आगमन को लेकर काशीवासियों में भी काफी उत्साह है और इसलिए शायद यहां के लोगों ने गुलाब की पंखुड़ियों से पीएम मोदी का स्वागत किया। बता दें कि काल भैरव मंदिर के बाद पीएम मोदी क्रूज से वाराणसी की खिड़कियों के घाट पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई और साथ ही मां गंगा की पूजा की है। आज काशी का अभिषेक किया गया है, इसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। 8 तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का कार्यक्रम था, किस तरीके का भव्य कार्यक्रम आज किया गया था। तो पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट, पीएम का ड्रीम जो था, जो प्रोजेक्ट था, वो आज पूरा हुआ है। पीएम का सपना, इसको मानकर चलिए पूरा हुआ है। पीएम का भव्य स्वागत किया गया, माँ भारती को पुष्प अर्पित किए गए, श्रम साधकों का सम्मान किया गया। तो देखिएगा जिस तरीके से इससे पहले मजदूरों के पैर धोते हुए पीएम मोदी नजर आए थे और आज जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, जो श्रम साधक थे, उनका भी पीएम मोदी के द्वारा फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया है। श्रमिकों के साथ भोजन भी किया है योगी आदित्यनाथ, तस्वीर में आप देख सकते हैं भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, गंगा में आस्था की डुबकी लगाई गई, क्रूज पर मोदी नजर आए और काल भैरव की भी पूजा की गई। तो आज का दिन मोदी में नजर आया पूरी तरीके से, काशी में सिर्फ मोदी ही मोदी नजर आए। चारों तरफ कार्यक्रम की भव्यता को आप देख सकते हैं किस तरीके से आज काशी कॉरिडोर को लेकर कार्यक्रम किए गए और जिसमें अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग दृश्य जो उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या नई रणनीति, क्या नई हवा पैदा कर सकेंगे, ये भी देखना है हमको। लेकिन काशी का अभिषेक और इसकी 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने काशीवासियों को बधाई दी। वहीं अपने संबोधन में क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आइए सुनवाते हैं। कैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। और आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में
एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है, उसका वैभव विस्तार ले रहा है, इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का, ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का, ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। 50-60-70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं, यानी पहले मां गंगा का दर्शन स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम, यही तो है हर हर महादेव। साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था, विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे, कैसे होगा, होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है, ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है। तो वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में पीएम मोदी के साथ इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। बता दें कि पीएम के संबोधन से पहले सीएम योगी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आइए सुनवाते हैं। तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने क्या कुछ कहा वो अभी कुछ ही देर में आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ लखनऊ से रूबी सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। रूबी सिद्दीकी, आज जो कुछ काशीवासियों ने देखा है ये अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है, अनूप है, नया है,
तो ऐसे में तस्वीरें लगातार आ रही है काशी से, ऐसे में बताया जा रहा है कि गंगा आरती के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी निकल चुके हैं, क्या कहेंगे, क्या तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं? काविंद्र, देखिए सबसे पहले अहम बात तो यही है कि आज पूरा काशी हर हर महादेव से गूंज रहा है। सुबह से ही शुरुआत देखी जा रही थी, लगातार 10:30 बजे से जब पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा था के बाद से ही लगातार योगी आदित्यनाथ हो या यहाँ के जितने भी बीजेपी के नेता हो उन सभी की जुबा पे सिर्फ हर हर महादेव का ही नारा था। और यहाँ के लोगों का सिर्फ इस बात का ही इंतजार था कि कब नरेंद्र मोदी आएंगे और कब काल भैरव मंदिर में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद ही लगातार इनके जो प्रोग्राम थे वो चल रहे थे और खासतौर से लोग यहाँ का इंतजार इसी बात का कर रहे थे कि जब मंदिर में आरती की जाएगी तो खास क्या आरती के लिए किया जाएगा, क्या इंतजाम किए गए हैं, उस पर भी विशेष नजर थी। और अब शाम की आरती का खास तौर से इंतजार था जो अब वक्त आ चुका है और बताया यही जा रहा है नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं कुछ देर में ही, यहाँ का जो घाट है जहाँ पे इनको आरती करनी है वहां पे पहुंचेंगे। तो कहा जा सकता है काविंद्र की काफी समय से जो इंतजार था वो आज देखने लायक था और खासतौर से सुबह से लेके अब शाम हो चुकी है एक अलौकिक या ये कह सकते हैं एक आकर्षण का केंद्र बिल्कुल बना हुआ है। और कहीं ना कहीं काशी बिल्कुल हर हर महादेव के जो नारे से है वो लगातार गूंजता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और कहा जाता है कि महादेव के भक्तों को आज बड़ा प्रसाद मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि आज पूरा हुआ। लेकिन जी रूबी जी, इस चीज को और समझना होगा क्योंकि चुनाव भी है। अब राजनीतिक लिहाज से पहले अयोध्या और आज वाराणसी, तस्वीरें क्या कहती है राजनीतिक लिहाज से? काविंद, के चुनावी बिसात जो है वो बिल्कुल शतरंज की जो चाल होती है शह उम्मीद की लगातार बिल्कुल चल रही है। अयोध्या का तर्ज था, उन्होंने वहां पे भी माती विपक्ष का हर एक उस कदम को पीछे में करते नजर आ रहे थे जो विपक्ष लगातार हमला कर रही थी इसी बात पे कि बीजेपी ने जो नारा दिया है रामलल्ला बनाएंगे तो इस बात को लेकर उन्होंने मात दी। और अब काशी जो मंदिर है उसको लेकर भी उन्होंने कहा, यही जनता से भी कहा कि जो हम लोग ने वादे किए थे वो पूरे किए। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बयान जरूर आया था इस पे कि उन्होंने कहा है ये जो तैयारी कही है जो मंदिर की नींव रखी गई है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही रख दी गई थी। आज अलकनंदा क्रूज पर भी सवारी करी है प्रधानमंत्री मोदी ने और सबसे विशेष जो चीज देखने को मिली है वो ये है कि काशी के उन गलियों में प्रधानमंत्री, अक्सर इतिहास में ये पहली बार देखने को मिला होगा कि उन गलियों में प्रधानमंत्री मोदी खुद उस गाड़ी में बैठ के निकले हैं जिन गलियों में कभी एक आम नेता नहीं गुजरता है। तो खास जरूर ये पल था जब नरेंद्र मोदी इस तरीके से गलियों से बीच से होते हुए निकल रहे थे और लोगों के बीच हाथ हिलाते हुए, यानी कि जो लोग छत पे खड़े हुए थे या अपने अपने दरवाजे पे खड़े थे उन सभी लोगों से वो मिलते हुए जा रहे थे। तो कहा यह जा सकता है चुनावी है माहौल है और खासतौर से ऐसे में वोट बैंक की राजनीति शुरुआत हो चुकी है और वजह चाहे काशी मंदिर हो या ये कह सकते हैं कि इस तरीके से परियोजनाओं को अपने अंजामा पहनाना हो वो वक्त अब बहुत करीब है जिसकी वजह से अब नरेंद्र मोदी जो है वो खुद अपने हाथ में बात तोड़ लिए। लेकिन एक और चीज आपने जिक्र किया, गलियों से निकलते हुए पहली दफा देखा, तो ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं क्योंकि गलियों से निकल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम लोग इतने करीब से अपने प्रधानमंत्री को देख पा रहे थे। साथ ही रूबी जी, ये भी जानने की चाहूंगा आपसे कि अब जब ये काम जो कि काफी समय से अधर में लटका हुआ था, काशी कॉरिडोर एक ड्रीम प्रोजेक्ट था बीजेपी का, तो ऐसे में ये भी पूरा हुआ है तो इसको लेकर वहां के जो आसपास के लोग हैं उनके बीच चर्चा क्या है? कभी देखिए यहाँ के जो काशी के लोग हैं उनका सेंटीमेंट इसी बात को लेकर जुड़ा हुआ था कि इतने भव्य मंदिर बन रहा है, खासतौर से काशी के जो दर्शन होंगे वो खासतौर से यहाँ के जो लोग हैं एक आम हो जाएगा क्योंकि लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि जो मंदिर की जो तैयारियां हैं वो बहुत ही बारीकियों से की जा रही हैं और लगातार योगी आदित्यनाथ खुद ही इस चीज को लेकर बैठक कर रहे थे और अधिकारियों को खास निर्देश इसी बात को दे रखा था कि इस मंदिर की जो तैयारियां हैं उसमें कहीं से भी कोई भी कोताही ना ही बरती जाए, खासतौर से जो यहाँ पे खर्चा आ रहा है उसकी फिक्र ना की जाए। और कहीं ना कहीं आज वो देखने को भी मिला क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं और आरती का जब समय था हर हर महादेव से गूंज रहा था, बहुत से पुजारी ऐसे भी थे जो पीछे की कतारों में लगातार से किसी बात के इंतजार कर रहे थे कि एक बार दर्शन उनके साथ भी कर लिया जाए लेकिन मौका नहीं मिल पाया। और अब अलकनंदा क्रूज जो था उससे भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी सवारी की,
तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन था वो खास जरूर रहा, खासतौर से यहाँ की जनता के लिए भी। तो जनता इसी बात को लेकर इंतजार कर रही थी कि कब इनके दीदार होंगे, कब आमने सामने एक बार जरूर दीदार होंगे प्रधानमंत्री मोदी के, लेकिन आज वो दिन इनको जरूर नसीब हो गया। साथ ही एक और तस्वीर हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पहले जहाँ मजदूरों के एक दफा पैर धोते हुए नजर आए थे, वैसे में आज कंस्ट्रक्शन वर्करों के ऊपर उन्होंने जो पुष्प वर्षा की है उसको लेकर क्या कुछ है? कविंद देखिए, इस चीज को लेकर वो पहले से भी तारीफ कर रहे थे कि उनका कहना यही था कि बहुत बारीकियों से काम की गई और खासतौर से ऐसे लोगों के जरिए पूजा करनी चाहिए जो जिन्होंने इतने श्रद्धा के साथ और इतने मन लगा के काम को अंजाम दिया है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल पूजना चाहिए। और कहीं ना कहीं आज उन्होंने पुष्प वर्षा करके एक धन्यवाद जरूर किया है। हालांकि कुछ कारीगर बहुत ज्यादा उत्साहित भी थे इसी बात को लेकर थे कि उनके कामों की तारीफ की गई है, और कुछ लोग सिर्फ इसी बात को लेकर इंतजार में थे कि हो सकता है कि एक बार प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने का मौका मिल जाए, या ये भी हो सकता है उसके साथ फोटो खिंचाने का मौका मिल जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद भी सेल्फी लेने के बहुत ज्यादा शौकीन है। ऐसे में इनका एक शौक ये जरूर था मजदूरों का, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। लेकिन फूलों की जो बारिश की गई है उससे उनको बहुत ज्यादा प्रसन्नता मिली, और खासतौर से जो निचले तबके जो मजदूर थे उनके लिए ये खासतौर से एक तोहफा जरूर था जब उनके लिए बारिश की गई फूलों की। जी बिल्कुल, खास तो होता है क्योंकि आपका प्रधानमंत्री जवाब के बीच जाकर आपको प्रोत्साहित करता है और साथ ही साथ पुष्प वर्षा भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया रूबी हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ ही राजनीति भी शुरू हो चुकी है। वहीं इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि काशी कॉरिडोर की नींव सपा सरकार ने रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वो इसके दस्तावेज भी देंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के कार्यों पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी जो भी काम गिनवा रही है वो सपा की देन है। वहीं सपा अध्यक्ष का यह दावा सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी को जनादेश देकर विकास की उम्मीद की, लेकिन बीजेपी सरकार ने जाति धर्म देखकर काम किया। वो अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो का फंडा अपनाती है, और यही वजह है कि जनता बीजेपी से पूरी तरह नाराज है। जहां से पार्टी की विजय होनी शुरू होनी है, मुख्यमंत्री जी इसलिए बनाए गए थे कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए। लेकिन जिस तरीके से 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, भेदभाव से काम हुआ है, जात को धर्म को देख करके काम हुआ है, और जिस तरीके से अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने एक ही नारा दिया, उस नारे को उन्होंने अमल किया, डिवाइड एंड रूल कर करके जिस तरीके से वो राज करते रहे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज डरा करके लोगों को मार करके राज करना चाहती है। अंग्रेज अगर डिवाइड एंड रूल करके राज कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी डरा करके मार करके राज करना चाहती है, लेकिन जनता समझ गई है आने वाले समय में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। आपको आंकड़े निकालने चाहिए और 12 से लेकर 17 तक कितना काम हुआ, और आपको यह बताना चाहिए कि सच कौन बोल रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता अन्नदाता को, अन्नदाता के परिवार में खुशहाली कैसे आए, किसान हमारा खुशहाल कैसे हो, सवाल यह है कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। ये किसान की आय दोगुनी का वादा किसने किया था, क्या आप जानते हैं किसने वादा किया था? आप सब जानते हो कि किसने वादा किया था। आज की महंगाई में जब खाद नहीं मिल पा रही है, डीएपी नहीं मिल पा रही है, पैदावार बढ़ेगी नहीं, सब चीज़ें बाहर से लाई जा रही हैं, तो किसान की आय कैसे दोगुनी होगी? ये जवाब न पूछ ले, इसका ये सवाल जनता न कर दे, इसीलिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी तो समाजवादी की थी, वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको। तो वहीं इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव साथ जुड़ गए हैं। कपीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जी धन्यवाद जी। कपीश जी, सबसे पहले तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे,
जैसे ही फीता कटा आपने कहा फीता तो यहां कटा लेकिन दरअसल बनवाया हमने था, सोच हमारी थी। जेवर एयरपोर्ट शिलान्यास हुआ, आपने कहा सोच हमारी थी। काशी कॉरिडोर से आती भव्य तस्वीरें आज भी आप कह रहे हैं कि ये तो सोच हमारी है, काम हमारा है। अब तो लोग मजाक करने लगे हैं कि अगर मार्स पर भी कोई काम होगा, चांद पर भी कोई काम होगा तो अखिलेश यादव कहेंगे कि वो भी हमने ही करवाया है। नहीं, नहीं, चांद पे तो काम मोदी जी से कर सकते हैं, वो सूरज पे भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर फिर बाद में आप आ जाएंगे ना कि वो काम भी हमने ही करवाया, वहां सोचा भी हमने, वहां भस्म होने के लिए हम नहीं आएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हकीकत क्या है। ठीक है, जो आदमी हकीकत से भागे और दूसरों का कद छोटा करने के लिए झूठ पर झूठ बोले तो वो सत्य नहीं होता। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आपने बात की, कामाबाई पुलिस साफ मुझसे आप जवाब दीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो सपना था वो समाजवादी सपना था और 2016-2017 में हम लोगों ने बकायदा बजट दिया और उस बजट में 19,000 करोड़ रुपए में ये परियोजना होनी थी जिसमें 12,000 करोड़ रुपए मुआवजे के लिए था और 7,000 करोड़ के लिए निर्माण में था। हमने एक लाइन का अलाइनमेंट दिया था, डीपीआर आपने मंगा के कभी चेक किया है? ठीक है, मैं कह रहा हूँ कबीर जी, डीपीआर आप देखे पहले? नहीं नहीं, पहले सुनते जाइए कबीर जी, रुके, मैं आपकी सुनने के लिए नहीं आया हूँ। नहीं, आपने प्रश्न पूछा, आप मेरे आप उत्तर ले लीजिए, भाषण देने के लिए भी नहीं, अगर आपको उत्तर लेना है तो उत्तर ले लीजिए, उत्तर नहीं चाहते अपनी वाली खोजना चाहते तो खोजते रहिए। फिर हम देखिए कपीर जी, भाषण देने के लिए आपको नहीं बुलाया गया है, ये नहीं, हम भी आपके भाषण को सुनने के लिए नहीं, भाषण में सवाल कर रहा हूँ, समझिए थोड़ा सा, सवाल और भाषण में अंतर समझिए। तो कपीर जी मैं ये कह रहा था कि आपने सपना देखा, भूमि अधिग्रहण किया, देने के लिए तैयार है, जिसके सामने सारी चीजें हैं, पीठ पत्रकारिता करते हुए शर्म नहीं आती जी? आपको सुन नहीं पाया, एक बार और बोलिएगा। मैं तो बहुत सीधी बात कह रहा हूँ, जिस महात्म को आप बता रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, किससे सर्वे कराया आपके न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया? ये अगर सवाल करते हैं तो मिर्ची कहाँ जाकर लगती है? आप एक बात बताइए कपीर जी, 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 रुके कपीर जी, हमने चार चार इंच का इसमें, अरे कपीर जी, अरे कपीर जी, कपीर जी समझिए, ड्रामा का भी एक लिमिट होता है, सुनिए इस बात को सुनिए, अगर सवाल करा है तो मिर्ची कहाँ जाकर लग रही है आपको? सवाल का जवाब दीजिए, बात रखिए, आप प्रवक्ता का है, बात कहते हैं आप प्रवक्ता हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए, बात खत्म करिए। नहीं, मैं तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? लेना नहीं चाह रहे, परेशान क्यों हो रहे हैं आप? बात कर रहा, आप ये ऐसी तस्वीरें प्रवक्ता में पेश करेंगे क्या? आप ना मानने के लिए आप कुछ दिनों पहले, आपका एक विधायक डीएसपी के साथ बदसलूकी करता है, बदतमीजी करता है, अब प्रवक्ता भी उसी चाल चलन पर उतर आए हैं क्या? आप सवाल कर रहा हूँ, आप मिर्ची लग रही है आपको, आपको सवाल कर रहा हूँ, आपको मिर्ची लग रही है, आपको सवाल कर रहा हूँ, अरे उनका मसला जो है उनसे सवाल होंगे, अब क्या ये सवाल भी बीजेपी से जो सवाल होने वो भी कपिल श्रीवास्तव से? अब जो बीजेपी से सवाल होने हैं कपीर जी, अरे कपीर जी, अरे कपीर जी, वो बीजेपी वालों से सवाल किया जाएगा, आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, वो आपसे, आपका जो सवाल है वो किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चार कन्वर्जियम के जज निकल के बाहर घास के कहते हैं कि देश के सब लोकतंत्र और संविधान को मोदी सरकार से खतरा है, आपने इनसे पूछा? अरे आपके कहने पर थोड़ी ना पूछूंगा, आपसे कहने पर थोड़ी ना पूछूंगा, एक काम करता हूँ, अपने केबिन के बाहर जो तख्ती लगी है उसे हटवा देता हूँ, उसके तख्ती लगाता हूँ कपीर श्रीवास्तव की, आइए आप बैठिए, सवाल करिए, एक समझिए, अरे अब समाजवादी पार्टी कार्यालय से थोड़ी ना सर्टिफिकेट बटेगा ब्रॉडकास्टिंग का, अब समाजवादी पार्टी कार्यालय से थोड़ी ना बटेगा, अखिलेश यादव थोड़ी ना सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन सी पत्रकारिता किस लिहाज से और कैसी पत्रकारिता कर रही है। कपीर जी आप भी मजाक करते हैं कामाकाम में, सुन रहे कपीश भाई? मैं सुन रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे? कपीश जी सीधा सवाल है कि सपना आपने देखा, भूमि अधिग्रहण आपने किया, ठीक है, लेकिन काम तो दरअसल बीजेपी ने करवाया। आज जब काशी कॉरिडोर की हर तरफ चर्चा है तो ऐसे में आप कहां से बीच में आ गए कि ये भी हमारा ही काम है? तो जनता सवाल तो करेगी कि हर काम जब आपका ही है और वही सवाल हम कर रहे हैं, वो हम सवाल कर रहे हैं तो आपको मिर्ची नहीं मिर्चा लग रहा है, अब मैं क्या करूं भैया? कोई ऊपर से अवतरित हो जाता है क्या, बिना पिता के पुत्र आ जाता है क्या? हाँ। मैं तो एक बात कह रहा हूं हाँ। कि जितनी भी सरकारें होती हैं हाँ। वो पालक होती हैं हाँ। और जितने भी हाँ। प्रजा है या हाँ। हमारी लोकतंत्र के अंदर जनता है वो पुत्र समान होती है उसके, और आप सत्ता के अंदर टैक्सेशन से काम करते हैं, आपका अपना कोई बजट नहीं होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि 2015-2016 के बजट में हमने 40 करोड़ रुपए दिया था और वो इसलिए दिया था कि विस्तारीकरण योजना के तहत बाबा विश्वनाथ की गैलरी को ही चौड़ा करने के लिए शुरुआती ये दौर था,
और मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ, आप चांद पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे ना, आप चढ़ तो नहीं पाए ना, प्लीज लिसन, आप चढ़ तो नहीं पाए ना, जस्ट ए मिनट, क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? आज काशी कॉरिडोर में जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपकी तस्वीरें तो आई नहीं, मंजिल पे पहुंच जाते हो या बीच में भी आपको सीढ़ी बनानी पड़ती है? कोई भी विकास क्रमिक होता है, आप पैदा होते ही एंकर हो गए थे क्या? मैं पूछूं, अब आप 35 वर्ष के उम्र में आप क्यों एंकरी कर रहे हैं? 5 वर्ष के उम्र में क्यों नहीं किया? 2 वर्ष की उम्र में क्यों नहीं किया? अरे ये कोई प्रश्न होता है? मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ आपसे कि जब मैं कह रहा हूँ कि दस्तावेज देने के लिए हम तैयार, 2015-2016 का बजट इनके पास रखा हुआ समाजवादी पार्टी, उठा करके देख लें कि 40 करोड़ रुपए अवमुक्त हुए कि नहीं 2015-2016 से विस्तारीकरण योजना के तहत। ठीक है, ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे वो पूरा प्रोसेस, आगरा लखनऊ, ठीक है, तो एविडेंस दीजिए, ठीक है, आप सत्ता में, ठीक है, ठीक है, कपीर जी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो था वो सपना भी आपका था, विचार भी आपका था, क्रिया भी आपने, ठीक है, बिल्कुल हमारा था, उसमें किसी का, उसमें किसी पुरानी सरकार का कोई प्रोसेस का काम नहीं, यमुना एक्सप्रेसवे हमारा है, नहीं नहीं सुन ले, अच्छा यमुना एक्सप्रेसवे भी आपका है? नहीं 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 नहीं, हमने कभी कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे हमारा है, पूरा कराने का काम हमने जरूर किया था, अच्छा ठीक है, लेकिन बावजूद उसके कभी नहीं कहा और ना कहेंगे कभी, क्योंकि वो बहन मायावती का सपना था, उन्होंने बनाया था, उन्होंने उसको पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में हमने पूरा किया, लेकिन बावजूद उसके हमने कभी नहीं लिया कि ये यमुना एक्सप्रेसवे। तो ऐसे बीजेपी सरकार ने भी कभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं कहा? ऐसे ही लखनऊ में जो मेट्रो चल रही है, अखिलेश यादव ने मेट्रो में बैठकर फोटो तो जरूर खिंचवाई, क्या आप एक भी टिकट दिखा सकते हैं समाजवादी पार्टी सरकार की कि जब मेट्रो वहां पर दरअसल सच में चली हो? नहीं चली ना, आप एक काम कीजिए, एंकरिंग छोड़ करके वहाँ की जनता के बीच में चले। नहीं 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 कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, अब आपसे मैं, आपसे मैं थोड़ी ना समझूंगा, अब आपसे थोड़ी ना समझूंगा, आपसे थोड़ी ना समझूंगा, आपसे थोड़ी ना सर्टिफिकेट लूंगा कपिल जी, आप थोड़ी ना सर्टिफिकेट देंगे, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आपसे कठिन सवाल कर रहा हूँ तो मिर्ची लग रही है? आप जाके एक बात बताइए कि अखिलेश यादव ने मेट्रो में बैठकर फोटो खिंचवाई कि नहीं खिंचवाई? वो काम क्या अखिलेश यादव का था लखनऊ में? क्या मेट्रो देने का काम अखिलेश यादव ने किया लखनऊ में? मेट्रो देने का काम क्या अखिलेश यादव ने किया? नहीं किया भाई, नहीं किया। ड्रामा का भी एक लिमिट होता है कपीश जी, कहां चक्कर में पड़े हैं आप? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कपीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, धन्यवाद।